रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज 3 जनवरी 2021। ओके, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज 3 जनवरी 2021 जो फेसबुक है उसके ऊपर जब हम पढ़ रहे हैं तो वो फेसबुक जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज का है उसके ऊपर डेट दिसंबर 2020 वाला डाला है और यही विषयों को उन्होंने दिसंबर के डेट में रखा हुआ है। ओके, तो वो प्रिंट में जो हमने देखा है उसको हमने बोला होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम जनवरी महीने का पहला रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज 2021 वाला पढ़ा है और दूसरे जनवरी का जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज 2021 का ही पढ़ा है और आज तीसरे जनवरी का 2021 का ही हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को पढ़ रहे हैं। तो फेसबुक के अंदर जो है उसको प्रिंट जो मिला है वो प्रिंट आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक के प्रिंट में दिसंबर लिखा है तो शायद मैंने पढ़ते वक्त दिसंबर बोला होगा या 2020 बोला होगा, आपने उसको इग्नोर करना है और इस बात को समझना है कि हम 2021 का वर्शन पढ़ रहे हैं। आज जो 3 जनवरी 2021 है, आज का 3 जनवरी 2021 है, उसमें आज वचन दिया है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाकिलो में द्वारा। वो वचन यह है जो पहला तिमोथी 6:12 से लिया गया है और विषय द वर्ल्ड एंड योर एक्सपीरियंस, वचन और आपका अनुभव, वचन और आपका अनुभव, द वर्ल्ड एंड योर एक्सपीरियंस। 1 तिमोथी 6:12 ऐसा लिखा है, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, वियर अंटू दाउ आर्ट ऑल्सो कॉल्ड एंड हैस्ट प्रोफेस्ड अ गुड प्रोफेशन बिफोर मैनी विटनेसेस। और एक बार, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, वियर अंटू दाउ आर्ट ऑल्सो कॉल्ड एंड हैस्ट प्रोफेस्ड अ गुड प्रोफेशन बिफोर मैनी विटनेसेस। 1 तिमोथी 6:12 हम हिंदी में पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। और एक बार पढ़ेंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके विषय तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। देयर आर पीपल हु से दे प्रे एंड डोंट रिसीव आंसर्स, ऐसे कुछ लोग मौजूद है जो कहते हैं प्रार्थना किया परंतु उसका जवाब प्राप्त नहीं किया। सम अदर्स से लैमेंट दैट दे गेव सो मच टू गॉड बट नेवर रिसीव्ड मच इन रिटर्न। और कुछ ऐसे दूसरे लोग हैं जो बहुत दुख मनाते हैं और वह इतना कुछ देते हैं परमेश्वर को पर उसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। There are also those who say I have been speaking the word over my body for a long time, yet I am sick. और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से वचन को मेरे शरीर के लिए बोल रहा हूँ बहुत लंबे समय से, परंतु फिर भी मैं बीमार ही रहा हूँ। If you are found yourself in a similar situation, here is something you should know. अगर यही समानता की परिस्थिति में अपने आप को आप देख रहे हो तो आज यहाँ पर आपके लिए कुछ है आपको जानने के लिए। Your experience should never affect if your confidence in the world. आपका अनुभव जो है, आपका आत्मविश्वास वचन के ऊपर जो है, उसको कोई भी प्रकार से प्रभाव नहीं करना चाहिए। The world never fails. वचन कभी हारता नहीं है, निष्फल नहीं होता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर एक्सपीरियंसेस माइट बी।
आपके कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसके बावजूद आपका कोई भी अनुभव क्यों ना हो वचन के विषय में, उसके बावजूद परमेश्वर का वचन सच्चाई ही है। Just because it's been several days or months and there is still no change as you expect does not mean the word is not working. केवल इस कारण से कि बहुत दिनों से और या फिर महीनों से आपने इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर रखी है वचन को ले लेकर, और फिर भी कोई आपको बदलता हुआ, आप आशा किए हुए आपको बातें ना मिलते हुए आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं बनता है कि वचन काम नहीं कर रहा है। You must understand that Christian growth and maturity is progressive and there is a fight of faith. आपको ये ध्यान रखना है समझ में कि मसीह जीवन जो है वो उन्नति का और परिपक्वता का लगातार उन्नत होने वाला जीवन होता है और उसके अंदर विश्वास का युद्ध होता है। There is also the issue of your limited knowledge of the world. और एक कारण भी है कि आपका ऐसा परेशानी में रहने का कि वह आपके ज्ञान जो परमेश्वर के वचन में होना चाहिए वह बहुत ही सीमित है। Perhaps you don't know enough on the subject you are dealing with. इसके लिए कि आप बहुत ज़्यादा विषयों को जानते नहीं हो जिसके साथ आप मुकाबला कर रहे हो, ऐसे विषयों को बहुत ज़्यादा आपको चाहिए उतना ज़रूरत से आप जानते नहीं हैं आपके विषयों को जिसके साथ आप मुकाबला कर रहे हैं। Therefore What you are supposed to do is to keep feeding on the word and exercising your faith. इसके लिए आपने क्या करने की ज़रूरत है कि आपने केवल वचन को अपने अंदर भरते रहना है और आपके विश्वास का आप लगातार उपयोग करते रहना है। It's a training. और यह आपके लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण शुरू रहता है। If, for example, at a certain time in your life, it took you a while to use your faith to accomplish a certain goal, don't be discouraged. एक उदाहरण के लिए, अगर कुछ समय आपका आपके जीवन का इस्तेमाल किया गया और वह एक इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ कि आपको केवल एक समय लगा विश्वास को पूरी तरह से आपके मकसद में पूरा होने के लिए, तो आप निराश नहीं होना है। Rather, grow your faith to the level where it can produce that same result anytime you want it. इसके बावजूद आपको बढ़ना है विश्वास में और उसके स्तर में ताकि आप उत्पन्न कर सके नतीजों को कोई भी समय जब भी आपको चाहिए उस समय में। If it took you 3 months the first time, tell yourself, next time I will get it in a week or even less. अगर कुछ आपको वचन का और विश्वास का इस्तेमाल करने में 3 महीने लगा होगा पहली बार, तो आपने अगली बार के लिए अपने आप को यह कहना है कि अगली बार अब मुझे केवल सप्ताह लगेंगे या फिर उससे भी कम समय लगेगा नतीजा लाने के लिए विश्वास और वचन के द्वारा। Then begin to study and meditate on the word with your new goal in focus. फिर उसके बाद आपने मनन करना है और अभ्यास करना है वचन के ऊपर जो आपका नया आने वाला मकसद होगा आपके ध्यान में, जिसके लिए आप वचन और विश्वास को उपयोग करने के लिए रुके हैं। That's how you train yourself in the world and in the faith life. इस प्रकार से आप अपने आप को प्रशिक्षण देते हैं वचन और विश्वास जीवन को। You don't give up. आप रास्ता छोड़ने वाले नहीं बनते हैं। You stand your ground.
confident that God's word will prevail over circumstances and put you over all the time. आप अपनी जमीन को पकड़े रहते हैं आत्मविश्वास जो परमेश्वर के वचन में आपने रखा है कि वह प्रबल होगा सारी परिस्थितियों के ऊपर और आपको उसके ऊपर चढ़ाई करके रखेगा all the time, हमेशा के लिए. हम कबूली करेंगे, अंगीकार करेंगे जब हम ये कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार से हमने मुँह से बोल कर करना है और जो भाषा चाहिए उसमें बोलिए. इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, या आप समझते हुए कोई अपनी भाषा में इसे अंगीकार करना चाहे तो वैसा कीजिए, लेकिन आपको इसे मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है.